रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो कि पिछले सालों से ही कुछ ज्यादा ही चर्चाओं का विषय बनी हुई थी। रिया चक्रवर्ती की बात की जाए दोस्तों, तो रिया चक्रवर्ती के ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और रिया चक्रवर्ती किस तरीके से उससे जूझती है, ये बात उन्होंने सबके सामने जग जाहिर करी। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती ने दोस्तों एक साल तक काफी ज्यादा स्क्रूटनी झेली और आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती की चीजें सामने आई थी धीरे धीरे करके और किस तरीके से वो वैनिश भी हो गई, ये हम सबने देखा। अब आप लोगों को बता दूं, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला है और ये पोस्ट बेसिकली मोटिवेटिंग फैक्टर है, या कह सकते हैं हार्ड डेज जो होते हैं उसके दौरान किस तरीके से चीजें हुई हैं। तो रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते हुए नजर आती हैं दोस्तों। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि क्या है इसका मतलब। इवन इन योर हार्ड डेज थ्रू ऑल दैट हैज हैपेंड एंड डिड नॉट हैपन, यू हैव कम दिस फार एंड दैट इज अ ब्यूटी एंड ब्रेव थिंग माई फ्रेंड। रिया चक्रवर्ती कहती है कि अपने इनफैक्ट हार्ड डेज यानी कि टफ दिनों में भी आप जो हैं, भले आपके साथ हुई हैं चीजें या नहीं हुई हैं, लेकिन आप जो हैं इतनी दूर तक आ गए हो और यही तो खूबसूरती है, यही तो एक ब्रेव थिंग है मेरे दोस्त। रिया चक्रवर्ती ने एक बयान यही दिया है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। मैं आपको हर एक बात की जानकारी देता रहूंगा। चलता हूं।